सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इकाई 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी और सी का क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बिलासपुर। बिलासपुर के लिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, बी और सी पर। तो सबसे पहले देखते हैं बी और सी में। बी को क्वेश्चन नंबर 5 का बी, घूर्णन स्पेक्ट्रम पर समस्थानिकों का प्रभाव। आइसोटॉप इफेक्ट ऑन राउंडिंग स्पेक्ट्रम। तो इसमें देखते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम में समस्थानिकों का प्रभाव में किसी अणु तत्व के परमाणु किसी तत्व के वे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहते हैं। क्या किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उसके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जब किसी अणु के एक परमाणु के समस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन के द्वारा प्रतिस्थापन की जाती है तब प्राप्त उस नए अणु का रासायनिक जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, रासायनिक गुण समान ही रहता है, लेकिन समस्थापन से प्रतिस्थापन के द्वारा उस अणु के द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन का चिन्ह डेल है। तो समस्थापन के प्रतिस्थापन से अणु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में जब परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान के परिवर्तन होने से उस अणु का जड़त्व आघूर्ण आई भी परिवर्तित हो जाती है। जड़त्व आघूर्ण को आई से प्रदर्शित करते हैं तो ये भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आगे देखते हैं इसी को। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। वे तत्व किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है जिनका परमाणु भार भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। जबकि उसी अणु के द्रव्यमान में उस अणु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और उसी अणु के जड़त्व आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है।
जड़त्व आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है। घूर्णन स्पेक्ट्रम, देखो घूर्णन स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ तो यहाँ से ये घूर्णन राउंड शेप, अब यहाँ से बना दो स्पेक्ट्रम। तो याद रखने का तरीका, कब जब कभी भी ऐसा दिखाई दे तो ये घूर्णन और उसका स्पेक्ट्रम। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में घूर्णन कारक बी इक्वल टू एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी होता है। ये जो फार्मूला है वो हम ए में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ए में पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से आया हुआ था। ये जो बी होता है ये कारक होता है, घूर्णन कारक भी बोल सकते हैं, इसी को घूर्णक नियतांक, घूर्णक स्थिरांक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है, उसके साथ साथ बताया गया कि प्रतिस्थापन ये बोला गया है कि प्रतिस्थापन के दौरान उस परमाणु का द्रव्यमान अधिक होने से या बढ़ने से, परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से आई का मान भी अधिक होता है और बी का मान, तथा बी का मान जो होता है वो कम होता है, बी का मान कम होता है। घूर्णन स्तर में, तो घूर्णन स्तर में ऊर्जा, घूर्णन स्तर में ऊर्जा, ऊर्जा को या फिर ऐसे प्रतीक चिन्ह के रूप, ऊर्जा या तरंग संख्या बी के समानुपाती होती है, ये बोला गया। ऊर्जा क्या बोला गया, घूर्णन स्तर ऊर्जा या तरंग संख्या, दोनों एक ही है, के बी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। तो यहां से देख सकते हैं तरंग संख्या बराबर ये हो जाता है बीजे, और यहां पे बताया गया है चूंकि इक्वल टू एच, एच वी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी बी बार। तो यहाँ ये बताया गया है E इक्वल टू एच वी, एच वी लिखा हुआ है, ये वी न्यू होता है, न्यू के जगह पर वी रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वी का मान, तो वी का मान यदि सी अपॉन लेमडा होता है, तो सी अपॉन लेमडा वी के स्थान पर सी अपॉन लेमडा है। उसके बाद चूंकि वन अपॉन लेमडा इक्वल टू वी बार होता है, तो उसके स्थान पर वन अपॉन लेमडा के स्थान पर क्या हो गया, सी अपने जगह पर वन अपॉन लेमडा के स्थान पर वी बार आ गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण होता है। उसके बाद इसी को आगे देखते हैं, अच्छा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, चलो। घूर्णन स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम घूर्णक कारक बी इक्वल टू एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी होता है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में परमाणु के द्रव्यमान बढ़ने से, प्रतिस्थापन के बाद क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता है। यहाँ पे देखो परमाणु का भार भिन्न भिन्न होता है, तो भार बढ़ता है यानी कि द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान एक ही है, ठीक है। तो परमाणु का द्रव्यमान इसमें प्रतिस्थापन के दौरान क्या होता है, समस्थापन या प्रतिस्थापन, समस्थानिक का प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। तो समस्थानिक का प्रतिस्थापन होता है, समस्थानिक क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, इसे मैं आगे बताऊंगा। तो ये परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से इसके आई का मान बढ़ता है और बी का मान कम होता है। और बताया गया है कि घूर्णन स्तर में, घूर्णन स्तर की ऊर्जा या तरंग संख्या बी के समानुपाती होता है, होती है। तो ये हो जाएगा न्यू बार इक्वल टू बी जे, और यहाँ से ई इक्वल टू एच वी, और ये समीकरण, ठीक है।
और फिर इसी को आगे देखते हैं। बी का ही है, आगे देखते हैं इसको। इसमें ये बताया गया है कि यदि बी का मान कम होता है, यदि बी का मान कम होता है तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो होती है वो पास पास आ जाती है, पास पास आ जाती है। क्या? यदि बी का मान कम होता है तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की रेखाएं पास पास आ जाती है। और यहाँ से ये बताया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड में सी कार्बन कार्बन 12 का समस्थानिक। देखो कार्बन 12 का समस्थानिक होता है कार्बन 13, ठीक है? तो इसी को बोला जाता है समस्थानिक। किसी तत्व के दो रूप यानी कि उसके भार में परिवर्तन हो लेकिन परमाणु क्रमांक एक ही हो। देखो भार इसका 12 है लेकिन इसका भार 13 है, तो ये कार्बन का ही समस्थानिक है ना? तो कार्बन 12 का समस्थानिक कार्बन 13 में प्रतिस्थापन होता है तब। प्रतिस्थापन मतलब ट्रांस, इसके स्थान पर अब ये आ गया, ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन। इस कार्बन 12 के स्थान पर कार्बन 13 आ गया, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 का समस्थानिक कार्बन 13 का प्रतिस्थापन होता है तब इनकी रेखाएं पास पास आ जाती है, इनकी रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। अब जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम की रेखाएं जैसे पास पास आ जाती है, उसी प्रकार से इस कार्बन मोनोऑक्साइड की रेखाएं भी बहुत ही पास पास स्थित हो जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं कार्बन 12 के लिए यदि स्पेक्ट्रम रेखा देखते हैं तो ये मान लो 5 4 3 2 1 और ये 0 है, ठीक है? ये C12 के लिए। और C13 के लिए यदि देखते हैं तो ये जो होता है पास पास आ जाता है। ठीक, देखो ये पास पास आ गया, ये तो 0 ही है, इक्वल में रहेगा 0। तो देख सकते हैं कि ये जो होता है 0 के समीप आ गया, पास आ गया है, ठीक है? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया है प्रतिस्थापन के लिए। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं इसी में। अच्छा, इसका तो हो गया, हाँ इसका अनुप्रयोग देखेंगे, इसी का अनुप्रयोग, बी का ही अनुप्रयोग। तो उसका अनुप्रयोग यानी कि समस्थानिक प्रतिस्थापन अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि समस्थानिक के प्रतिस्थापन समस्थानिकों के प्रतिस्थापन के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम समस्थानिकों के प्रतिस्थापन के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम के द्वारा परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता है। ये बोला जाता है कि किसी समस्थानिक का प्रतिस्थापन जब होता है, जब किसी समस्थानिक का प्रतिस्थापन होता है यानी कि जैसे सी सी 12 था तो उसके स्थान पर सी 13 आ गया, तो समस्थानिक का प्रतिस्थापन होता है तो
तो ये बोला जा रहा है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम के द्वारा उस समस्थानिक के परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। तो समस्थानिक के प्रतिस्थापन के प्रतिस्थापन को घूर्णन स्पेक्ट्रम के द्वारा उसके समस्थानिक के परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता है। किसी एक तत्व के समस्थानिकों का द्रव्यमान के दो समस्थानिकों का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान इक्वल टू एम वन व एम टू हो सकता है, और उसी अणु का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आई वन व आई टू हो सकती है, तथा घूर्णन स्थिरांक बी वन व बी टू जबकि उसका अपचयित जो मान है या अपचयित ऊर्जा म्यू वन व म्यू टू हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है करके बताया गया है। उसके बाद कंडीशन हो तो ये होता है बी वन इक्वल टू वन बाई आई वन व बी टू इक्वल टू वन बाई आई टू होता है, ये कंडीशन दिया हुआ है। और बताया गया है चूँकि b इक्वल टू एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी, इसको दे दिया गया समीकरण एक, b का वो तो मान ही होता है आप लोगों को पता होगा। उसके बाद ये जो है कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है समस्थानिकों के लिए, दो समस्थानिकों का द्रव्यमान दिया हुआ है, जड़त्वाघूर्ण आई वन आई टू दिया हुआ है, घूर्णन स्थिरांक बी वन बी टू दिया हुआ है, अपचयित दिया हुआ है, म्यू वन म्यू टू, ये न्यू नहीं है म्यू है, ठीक है। तो ये बी वन इक्वल टू वन बाई, तो ये होता है जब ये कंडीशन है तो उसे हम कन्वर्ट करके देखो, बी वन के व्युत्क्रमानुपाती आई वन है, बी टू के व्युत्क्रमानुपाती आई टू है, तो क्यों ना इसे ऐसे लिख सकते बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू आई टू अपॉन आई वन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो इस प्रकार से इसको ऐसा लिखा गया है। और बताया गया है कि समस्थानिकों में समस्थानिकों के अणुओं की अंतरनाभिकी, ये नाभिक अंतरनाभिकी अंतरनाभिक दूरी या बंधन लंबाई, बंध लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्या समस्थानिकों के अणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी या बंध लंबाई में, दो नाभिक है उनके बीच की दूरी को, तो बंध लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं होता, ये बताया गया है। और उसके बाद बताया गया जब नहीं होता तो ये हो जाएगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू आई टू अपॉन आई वन इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। और बताया गया है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन कहाँ से आया, चूंकि आई टू अपॉन आई वन इक्वल टू होता है म्यू टू आर स्क्वायर अपॉन म्यू वन आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटा तो क्या बचा म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो ये यहाँ से है, इसको दे इसमें समीकरण नहीं है यार सॉरी। फिर ये है, फिर यहाँ से जो होगा आई का मान, तो आई का मान जो होता है वो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू वन बाई एन, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है तो बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हैं, बी वन अपॉन बी टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये जो मान है यही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे मान को निकालने के लिए जो कुछ भी किए हैं उसमें से ये जो मान आया है यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो पूरा फंडा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ है और ये जो म्यू वन अपॉन म्यू टू कहाँ से है, तो ये इस आई अपॉन आई टू अपॉन आई वन होता है, तो म्यू टू उसका उसके बराबर है जब ये होता है, तो आर स्क्वायर आई स्क्वायर कटा, यानी कि
ये होता है जब इसके बराबर में होता है तो ये इसके भी बराबर हो गया, यानी कि बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा। तो ये जब होता है, ये मान जब होता है बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन जब होता है, तो इसी मान से किसी अज्ञात समस्थानिकों के परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। इसी मान के आधार पर बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन के माध्यम से किसी अज्ञात समस्थानिकों के परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता है या परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है, ये फॉर्मूला है। तो ये जो होता है बी होता है, बी और कंप्लीट होता है। उसके बाद सी को देखते हैं। सी में दिया हुआ है घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्तें। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्तें में पहला देखते हैं। पहला जो है वो ये बताया गया है कि किसी घूर्णन स्पेक्ट्रम घूर्णन स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बीच में पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मध्य भाग से संबंध होता है। मध्य भाग से संबंध होता है जो 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर के परास में होता है। और इसमें यह बताया गया है कि ये जो होता है अवरक्त और रेडियो आवृत्ति क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। क्या बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय यदि क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तो उस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बीच में, ये बोल सकते हैं मध्य भाग से संबंध होता है, उसके भाग से संबंध होता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग से संबंधित होता है जो 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर के परास में होता है। ये जो होता है अवरक्त और रेडियो के आवृत्ति क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। और ये भी बताया गया है कि इस घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आवश्यक विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक रूप से विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बिना हम किसी घूर्णन स्पेक्ट्रम की कल्पना नहीं कर सकते। जब घूर्णन स्पेक्ट्रम है तभी तो उसके बीच में रहेगा ना, तभी तो उसके बीच में जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है वो हमें प्राप्त होगा। तो विद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ये बताया गया है। दूसरा ये बताया गया है, तो ये क्या होता है, विद्युत जो क्षेत्र होता है वो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और दूसरा ये बताया गया है कि किसी अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम में किसी कोई भी जो जो अणु सक्रिय होता है, केवल वही अणु सक्रिय होता है, सक्रिय वही अणु सक्रिय होता है जिसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो किसका किसका स्थायी ध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे कि H2O का CO का HCl का CHCl3 का होता है, तो ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण इसमें पाया जाता है। जबकि H2
N2O2 या Cl2 का शुद्ध रूप से घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाता है। शुद्ध रूप से इसका घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें, चलो अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं पाए जाते हैं इस कारण से इसका घूर्णन जो होता है वो शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता। क्या बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल के लिए केवल वही अणु सक्रिय होते हैं जिसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाते हैं, जैसे कि H2O, CO, HCl, CHCl3 ये जो होता है उसका एग्जांपल है, जबकि H2N2O2Cl में शुद्ध स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है उसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाता उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया उसका, उसके लिए आवश्यक शर्तें, दो शर्तें सी का है। अब उसका अनुप्रयोग देखते हैं। अनुप्रयोग में यह बताया गया है कि द्विध्रुव द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक अणु के मध्य बंध दूरी द्विपरमाणुक अणु के मध्य बंध दूरी घूर्णन द्विध्रुव द्विपरमाणुक आघूर्ण ऊर्जा होती है, ऊर्जा हो तो आघूर्ण, ऊर्जा हो तो कंडीशन दिया हुआ है, तो ये होता है इक्वल टू, ऊर्जा की बात किया हुआ है तो इक्वल टू होता है एच स्क्वायर अपॉन 8π² आई जे जे प्लस 1 जूल। इसको दे देते समीकरण एक, ये जो मान है ई का मान है एच स्क्वायर 8π² आई जे जे प्लस 1 होता है। उसके बाद ये बताया गया है जब इसका मान ये है तो जे का मान, जबकि जे का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है, और जे जो होता है ये घूर्णन क्वांटम संख्या होता है, क्वांटम संख्या होता है, और यहाँ पे एच जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है या स्थिरांक भी बोल सकते हैं, प्लांक स्थिरांक, और यहाँ पे जो आई है वो जड़त्व आघूर्ण है, आघूर्ण है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण एक ई का मान जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या करेंगे, समीकरण एक को तरंग संख्या में परिवर्तित करने पर, ये परिवर्तन का चिन्ह, परिवर्तित करने पर तरंग संख्या यानी कि न्यू बार, ठीक है, न्यू बार इक्वल टू ये होता है ई अपॉन एच सी होता है, तो ई अपॉन एच सी होता है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा एच अपॉन 8π² आई सी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैसे हुआ, ई का मान देखो, ये ई का मान यदि रख देते हैं तो यहाँ से ये एच स्क्वायर था, ये जो एच स्क्वायर था एच, एक एच कट गया, एक एच के कट जाने से एक एच बचा, ठीक है, एच स्क्वायर में से ये जो एच है कटा, तो कटा तो क्या बचा, एच बचा, उसके बाद ये जो है एच कटा, उसके बाद 8π² है, तो 8π² इसमें सी जुड़ा हुआ है तो आई के बाद सी जोड़ दिए, उसके बाद जे जे प्लस 1, तो जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे बताए गए हैं न्यू बार इक्वल टू, अच्छा इसको दे दिया गया है समीकरण दो, न्यू बार इक्वल टू ई बार इक्वल टू बी जे,
जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे जहाँ बी का मान बताया गया है, बी का मान एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी होता है, तो इसके स्थान पर रख दिया गया है बी को, तो बी को रख दिया है, बचा क्या है ये, तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें बताया गया है कि वरण सिद्धांत से यहाँ पे ये बताया गया है, ये जो बी होता है ये घूर्णन स्थिरांक होता है, स्थिरांक, तो घूर्णन स्थिरांक बी है। उसके बाद वरण सिद्धांत से ये जो होता है डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है, जब ये मान होता है तो समीकरण दो में जे के मान को रखने पर तो यहाँ से समीकरण दो क्या है, ये है, और यहाँ से देख सकते हैं डेल ई बार इक्वल टू होता है टू बी, यानी कि ये जो बेंड बना हुआ था, जो हमें बेंड प्राप्त हुआ था ए में, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ए है उसमें जो बेंड होता है, तो 2b 4b 6b, यानी कि इसके बीच की दूरी 2b होता है, तो 2b होता है इस कारण से डेल ई बार इक्वल टू 2b रखा गया है, और 2b रखा गया है तो उसके स्थान पर 2b के स्थान पर b का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी, ये मान हो जाएगा। और इसको दे देते हैं समीकरण तीन के बराबर होता है ये बोला जा रहा है। और उसके बाद फिर ये बताया गया है, आगे इसी में बताया गया है कि आई इक्वल टू आई का यदि पक्षांतर कर दे तो यहाँ पे बचा क्या, 2h अपॉन एट पाई स्क्वायर आई तो हो चुका है, तो यहाँ से सी गुणित में है बी, इसको दे दिया गया समीकरण चार। अच्छा ये बी कहाँ से आया, आई डोंट नो भाई, पता नहीं है तो नहीं पता बी कहाँ से आया, ये गाइड में लिखा हुआ था मैं लिख दिया, और बी कहाँ से आया मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं है, सॉरी। ठीक है, क्या यार इधर उधर घुमा करके बताने से अच्छा है डायरेक्ट बता दो भाई ये बी कहाँ से आया, मैं नहीं जानता, गाइड में देख लेना। उसके बाद समीकरण एक में तरंग संख्या से, यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा है, समीकरण एक को तरंग संख्या में परिवर्तन करने से ये परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ से ये जो मान आ रहा है इसमें क्या करें हैं कि समीकरण एक का मान जो है उसमें h को रख दिए, h जो है नीचे में h है इस कारण से, और ये ऊपर में h है, तो h h का जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, एक h बचेगा, उसके बाद 8π² तो 8π² IC जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया। उसके बाद ये जो है मान जो है b, ये जो मान होता है b का मान होता है, तो b इसके स्थान पर b रख दिया, उसके बाद जे जे प्लस वन हो गया सेंटीमीटर इन्वर्स, b इक्वल टू h अपॉन 8π² IC होता है, ये होता है घूर्णन स्थिरांक होता है। वर्ण नियम से लिए हैं तो डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन ले सकते हैं इसको, समीकरण दो में जे का मान को रखने पर, तो मान को रखने पर ये हो जाएगा डेल ई बार इक्वल टू 2b, टू बी ये जो होता है वो बैंड के बीच की दूरी 2b होता है इस कारण से 2b, तो 2b है, तो b का जो मान है उसको रख समीकरण तीन, और आई इक्वल टू यहाँ से पचांतर करके आई को यहाँ जब ले आए हैं तो ये जो होता है 2h अपॉन 8π² सी मल्टीप्लाई बी होता है, और आई का मान इसके अलावा और भी प्राप्त होता है, जैसे कि ये बता रहा हूँ, आई का मान होता है म्यू आर स्क्वायर भी होता है, और आई का मान एक और होता है आई इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इनटू में 1 अपॉन n, इसको दे देते समीकरण पाँच। और इसमें बताया गया है जहाँ m1 m2 जो है ये परमाणु का द्रव्यमान है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है m1 m2 हो गया, और ये r जो दिया हुआ है ये दो नाभिकों के बीच की दूरी
जिसे बंध लंबाई भी कहते हैं या बंधन लंबाई भी कहते हैं। ठीक है, तो दो नाभिकों के बीच की दूरी आर है और इसे बंधन लंबाई भी कहते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे यदि बंधन लंबाई का, तो यही होता है कि किसी दो नाभिकों के बीच की दूरी को बंधन लंबाई कहते हैं। तो ये आर जो है बंधन लंबाई हो गया। और यदि आर के मान को देखेंगे तो ये जो आर है वो अपने स्थान पर है, और यदि यहाँ से देख सकते हैं यदि म्यू स्क्वायर हो गया है तो ये जो है म्यू नीचे में चला जाएगा आई के, तो आई अपॉन म्यू होगा। और आई अपॉन जब म्यू म्यू होगा तो यहाँ से आर स्क्वायर है तो ये पक्षांतर होकर के अंडर रूट बन जाएगा आई अपॉन म्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दे देते हैं समीकरण 6। और ये बोला गया है कि समीकरण 6 के माध्यम से किसी भी परमाणु या परमाणु के अणुओं के बंधन लंबाई को ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 6 के माध्यम से किसी भी अणु के परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो दोनों सी बी और सी क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।